नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल जन्नत फ्रीलांस रहा हूँ उत्तराखंड से। अगर आप लोग भी अपने लिए पहाड़ों में घर चाहते हैं तो सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब। आज की वीडियो में मैं आप लोगों को लैंड बाइंग रूल्स इन उत्तराखंड के बारे में इन्फॉर्मेशन देने जा रहा हूँ। तो जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं कि उत्तराखंड के अंदर भी जो लैंड है वो दो पार्ट में डिवाइडेड है। जो पहला पार्ट है वो रहता है MCD का और जो दूसरा है वो रहता है रूरल एरियाज का। तो सबसे पहले मैं आपको MCD के बारे में बताना चाहता हूँ। तो जो भी लैंड MCD के अंडर आती है वहाँ पे आप लोग अपने लिए कितनी भी लैंड ले सकते हैं। वहाँ पे आपके लिए भी कोई भी टर्म्स एंड कंडीशन नहीं है। अगर आप नॉन उत्तराखंडी भी हैं तो वहाँ पे भी आप अपने लिए 500 गज, 1000 गज, 2000 गज, 10000 गज अपने लिए लैंड बाय कर सकते हैं। वहाँ के लिए आपको किसी स्पेशल परमिशन की ज़रूरत नहीं है। तो चलिए अब हम बात करते हैं रूरल एरियाज के बारे में। जो रूरल लैंड है, जो रूरल लिमिट्स में जो लैंड आती है, जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड डिवाइड हुआ था सन 2000 में। तो उसके बाद 2003 सितंबर में एक एक्ट पास हुआ था जिसमें जो नॉन उत्तराखंडी है वो अपने लिए उत्तराखंड में सिर्फ 500 मीटर यानी कि करीब 5,500 स्क्वायर फीट यानी कि अपने लिए 600 गज तक की ज़मीन खरीद सकता है। और उसके बाद फिर एक्ट में चेंज हुआ था 2007 में। 2007 ऑनवर्ड टिल डेट टुडे, मतलब 2023 तक आप लोग उत्तराखंड के अंदर अपने लिए 250 मीटर यानी कि 2700 स्क्वायर फीट यानी अपने लिए 300 गज तक की लैंड ले सकते हैं। जो ये जो लैंड है वो सारे रूरल लिमिट्स में मिलती है आपको। तो यहाँ पे आप अपने लिए 2700 स्क्वायर फीट तक लैंड ले सकते हैं। और जो लैंड आपको 2700 स्क्वायर फीट जितनी भी आप लैंड लेते हैं वो आपको मिलती है अपने रेजिडेंट पर्पज के लिए। आपको यहाँ पे अपने लिए घर बनाना है, यहाँ पे आप अपने लिए खेती नहीं कर सकते हैं। और इसके अलावा मैं आप लोगों को कुछ और भी इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ कि काफ़ी सारी जो लैंड है यहाँ पे, जो उत्तराखंड ने गवर्नमेंट ने अलॉट की थी जो शेड्यूल कास्ट होते हैं, जो शेड्यूल ट्राइब्स होते हैं उनको, तो उनकी लैंड भी आप लोग उत्तराखंड में नहीं खरीद सकते। उसके लिए कोई भी स्पेशल परमिशन आज तक नहीं है, तो वहाँ उनकी लैंड आप अपने लिए नहीं ले सकते। इसके अलावा मैं आप लोगों को थोड़ी और जानकारी देना चाहता हूँ। अगर आप लोगों यहाँ पे अपने लिए जैसे कि आश्रम हो गया या अपने लिए मंदिर या कोई वेलनेस सेंटर खोलना चाहते हैं और आप किसी अदर स्टेट से बिलोंग करते हैं, तो यहाँ पे आप लोगों को उस काम के लिए, उस पर्पस के लिए भी आपको बड़ी लैंड मिल सकती है। लेकिन जब आप अपने लिए इस लैंड का अप्रूवल लेने के लिए जाते हैं तो आप लोगों के पास पहले से ही, जिस भी आप स्टेट से बिलोंग करते हैं या कहीं भी उत्तराखंड के बाहर आप सेम काम किसी स्टेट में कर रहे हैं, किसी और स्टेट में कर रहे हैं, तो उसके लिए आपको उत्तराखंड में भी लैंड मिल सकती है अगर आपके पास प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स हैं। तो चलिए मैं इसको आप लोगों को एक एग्जांपल के तरीके से समझाता हूँ। तो जैसे कि आप लोग एक ब्रांड है, जैसे कि आप अपने लिए रिसोर्ट खोलना चाहते हैं उत्तराखंड में, और आप लोगों के पहले ही कोई रिसोर्ट चल रहे हैं, किसी का हिमाचल में, किसी का गोवा में या किसी भी अदर स्टेट में, कहीं पे भी चल रहा है, तो आप लोगों को बहुत ईजी हो जाता है कि आप लोग उत्तराखंड में आए और अपने लिए रिसोर्ट के लिए परमिशन ले लें। तो परमिशन का जो टाइम है उसमें भी आपको 1.5 से 2 महीने या 1 साल भी लग सकता है, जो आपको DM के थ्रू मिलती है। उसके बाद भी आप लोगों को बाद में पता चलता है कि आप लोगों को रिसोर्ट के लिए परमिशन मिलेगी या नहीं। और इसके अलावा मैं आप लोगों को एक और इंफॉर्मेशन देना चाहता हूँ। जो लोग उत्तराखंड के मूल निवासी थे, उत्तराखंडी हो या ना हो, 2003 से पहले जो उत्तराखंड में रहते थे और आज वो उत्तराखंड में नहीं रहते हैं और वो नॉन उत्तराखंडी हैं, लेकिन 2003 से पहले उनके पास वहाँ पे अपने लिए कोई लैंड है या उनके पास वहाँ का कोई राशन कार्ड है, वो वहाँ के मूल निवासी थे और वो उत्तराखंडी नहीं है, तो वो भी अपने लिए उत्तराखंड में जितनी मर्जी लैंड ले सकते हैं। तो ये जो इन्फॉर्मेशन थी लैंड बैंक रूल्स के बारे में उत्तराखंड के, जो भी अगर आप लोगों का मन है कि उत्तराखंड में लैंड लेना चाहते हैं तो आप लोगों को इन सब एक्ट्स के बारे में, इन सब रूल्स के बारे में पता होना चाहिए। अगर इसके बाद भी अगर आप लोगों के मन में सवाल आते हैं तो आप मुझे मैसेजेस कर सकते हैं, मुझे कॉल कर सकते हैं, तो मैं आप लोगों को बेटर सॉल्यूशन दूंगा कैसे और कहां पे आप अपने लिए लैंड बाय कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली में शेयर करें। थैंक यू।